जो भी कहे आपसे कि वैक्सीन लगाने से लड़का वड़का नहीं होता, उसको कहिए कि देखो चाचा हम वैक्सीन लगाई लो, आपके लिए हम इस अग्नि परीक्षा के लिए भी तैयार। क्या पता मैच करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। पता चला कि घोड़ा वाला मैच नहीं किया, आई पैदा हो गया बिना ऊर्जा का, तो इंजन बैठा रहेगा, तो ही ना बने ले रहे हमरा। तो हरगोविंद खुराना के प्रयोगशाला में प्रयोग के बाद किसी भी चीज को जेनेटिकली क्या किया गया, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा लुक बढ़ा देना। लोग गाड़ी खरीदते हैं, देखते हैं ना, कार खरीदेगा और के ऊपर 8 गो लाइट लगा देगा, तो बड़का बड़का पीला पीला बुझाएगा, कहीं खनन उद्योग में जा रहे हैं, गाड़ी रख ले, मॉडिफाई करा दिया। मोटरसाइकिल खरीदेगा और पो 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 लाइट वो लगा देगा, मारेगा एक बार तो पूरा मोहल्ला दलक जाएगा यहाँ पर, वो क्या है, मॉडिफाई करा दिया। समझ आएगा कि नहीं आएगा, सब इंसान मॉडिफाई कराता है। साइकिल खरीदते होंगे तो उसमें कुछ कुछ मॉडिफाई करा देते होंगे, चो 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 वाला एगो। हम लोग जब साइकिल खरीदे थे लोग तो एगो घंटी नहीं बजाते थे लोग, हमें एगो बैटरी वाला लगता था, हमें बजा दीजिए तो कोनो कोनो गाना बजने लगता था। ये क्या है, मॉडिफाई। आजकल लड़का भी खुद को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन वो केवल मॉडिफाई कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं। एक ओर से बलवा हरा कर ले रहा है, एक ओर से भूरा कर ले रहा है, सियार टाइप का लग रहा है, चला रहा है। समझ आ गया। लड़कियों आजकल कर रही है सब बलवा के बीच में से ना हेमे घुसा के 2-4 गो भूरा कर ले रही है। आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि एकरा कवक से प्रभावित हो गया है क्या। समझे, आजकल का लड़का या आजकल की लड़की ऐसा फैशन कर रहा है कि फैशन कम बीमारी ज्यादा लग रहा है। आदमी कंफ्यूजन में हो रहा है कि कौन सी हुआ है। देखो आजकल लड़कवा से बलवा उठा के ऐसे झाल ले रहा है, सकला के बूम बूम। अरे जादू नहीं, तो आदमी आदमी रो ना है। वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, मॉडिफाई। लेकिन ये फिजिकली मॉडिफाई हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई हो रहा है नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हो रहा है। क्या लगा दिया है, रोक, मतलब सब्जी उब्जी पे क्या कर सकते, कर सकते हैं, सब्जी वगैरह पे क्या होता है, अच्छा होता है। अब मुर्गी जो होती है, मुर्गी जो भारत मुर्गी जो होती है हेन, उनमें बुद्धि बहुत तेज होता है, पकड़िएगा तो तुरंत को 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 करके भाग जाएगी। समझ आ गया कि नहीं, भाग जाती है। अब उनका विकास ज्यादा होता नहीं है, उनमें वसा का मात्रा बहुत कम हो पाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके लिए क्या किया गया, उनको मॉडिफाई करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाई। तो जेनेटिकली मॉडिफाई के लिए क्या लेना पड़ेगा, गैमेट, क्या लेना पड़ेगा। तो एगो लिया गया मुर्गा और एगो मुर्गी, इन दोनों का स्पर्म और अंडा को क्या किया गया, लिया गया। इसमें देखा गया जीन में कि कौन सा जीन है जो वसा का निर्माण कर रहा है, शरीर को बढ़ा रहा है, उसको हटाया गया। अब मुर्गी वाले में से भी क्या किया गया, हटाया गया। अब इनमें विकास तो होगा नहीं। इसके बाद उनमें हम लोग उस जानवर का क्या मिला दिए, फैट या फिर वृद्धि करने वाला जीन, जो किसी भी चीज के शरीर को क्या करता है, वृद्धि करता है, क्या करता है, शरीर को वृद्धि करता है और बुद्धि को क्या कर दे, कम करे। तो इस तरह से बनाया गया एक नए किस्म का मुर्गा, नए किस्म का मुर्गा। अब उस नए किस्म के मुर्गा या मुर्गी में बुद्धि ज्यादा रहेगा और शरीर का विकास ज्यादा होगा और बुद्धि कम होगा, जानबूझ के बनाया गया। और वो व्हाइट वाला जो मुर्गिया देखते हैं जिसको काट के खाया जाता है सीबीएसई वाला सब, तो जो सीबीएसई वाला मुर्गिया जो कटाती है सब, उदम शरीफ होती है सब, एकदम उसको पिंजरा में से खोल दीजिएगा तो भगवे नहीं करेगा, ऐसे चलती है सर, ऐसे ज्यादा उसको आराम से पकड़ के काट दो। वो कटने के लिए पैदे हुई है क्योंकि उसे क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई, वैसे वे करेगा उसको, ऐसे आराम से काट दीजिए, बाकी सब देखेंगे सॉरी हो चाचा कटा गई लो, भगवान नंबर आता है, उस सबको कोई मतलब नहीं। और उनका शरीर भी क्या होता है, बहुत तेजी से विकास करता है, 3 महीना में पूरा एकदम वो वोट डालने लायक हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं 3 महीना में एकदम, 4 महीने के अंदर अंदर बेच दीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद उसका शरीर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो जेनेटिकली क्या है, मॉडिफाई है, उसका शरीर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, अब खाली खाएगा, क्या करेगा, खाएगा। इसलिए देखिएगा बीमारी जब आता है ना तो पोल्ट्री फार्म वाला होता है मुर्गा को एकदम सस्ता करके बेच देगा, नहीं बिकेगा तो फेंक देगा, क्योंकि पता है कि इसका वजन हो गया 3 किलो, अब 3 किलो से ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, अब बैठ के खूब खाएगा, इतना इतना खाएगा, तो चारा का पैसा लगेगा, उससे अच्छा क्या करो, बेच दो। तो हरिगोविंद खुराना ने जो प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया, इससे क्या आ गई, एक बहुत भयानक क्रांति आ गई। समझ में आ गया कि नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाई। आजकल कोई भी चीज जहां जीएम लिखा रहेगा उसका मतलब क्या होता है,
जेनेटिकली मॉडिफाई, हर चीज मानव में हो सकता है कि नहीं, जेनेटिकली मानव भी क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। जैसे मान के चलिए किसी मेल का क्या लिए स्पर्म, क्या लिए स्पर्म, उस स्पर्म का कहां गए न्यूक्लियस होते हैं, कहां पर क्रोमोजोम, उसके बाद अब उस जीन में तो बहुत सारे फंक्शनल जीन होंगे, हर जीन का क्या है एक जीन एक एंजाइम, अलग अलग क्या होगा एंजाइम। अब उसमें वो एंजाइम देखिए जो उसमें क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, क्या बनाता है ऊर्जा बनाता है। अगर हम उस जीन को क्या करें निकाल ले, अब ये स्पर्म को रख ले इसमें से उस जीन को निकाल ले जो क्या बना रहा था ऊर्जा, तो इससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें ऊर्जा रहेगा, तो इसको अभी प्रिजर्व करके रखना है, समझ गए। अब इसके बाद एक घोड़ा को पकड़ो, उस घोड़ा के स्पर्म से वो वाला जीन निकालो जो उसमें क्या बना रहा था ऊर्जा, और वो वाला ऊर्जा वाला जीन किसमें मिला दो आदमी वाला, और इससे इंजेक्ट कराएंगे, और इससे अगर लड़का पैदा हुआ तो सोचो कैसे दौड़ेगा, गोल्ड मेडल हरेक ओलंपिक में। ऐसा ऐसा आठ दस को जेनेटिकली मॉडिफाई पैदा कीजिए, हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल पीस लाइए, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन दिक्कत क्या आती है समझिए ध्यान से, दिक्कत ये आती है कि यहां लिखा है गैमेट शुद्धता का सिद्धांत, वो गैमेट क्या पता मैच करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। पता चला कि घोड़वा वाला मैच नहीं किया, अभी पैदा हो गया बिना ऊर्जा का, तो बैठा रहेगा तो ही ना बनी ले रहे हमारा। समझ गए, तो भारत ने अभी इस पर क्या लगा दिया है रोक लगा, लेकिन बाकी देशों में ऐसा परीक्षण हो रहा है, वहां पर जेनेटिकली क्या किया जा रहा है मॉडिफाई किया जा रहा है, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे हम लोग की वृद्धि 6 फीट से 5 फीट के बीच में रहती है, अगर यही वृद्धि वाला को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए तो क्या होगा, हाइट क्या होने लगेगी, बढ़ने लगी, लेकिन सरकार इस पर क्या लगा दिया है रोक लगा, अच्छा है रोक लगा दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा अलग अलग टाइप का जेनेटिकली, तो ऐसा रहेगा तो हम अपने को लड़का मॉडिफाई करा लेंगे। डायनासोर बनाओ, साथे घूमेगा एकदम, हाँ पापा किसको काट ले, काट ले सोचा कौन नहीं समझा, ऐसा रहेगा तो आदमी ना मॉडिफाई कराएगा, एक नंबर आराम से मॉडिफाई करा देगा इस तरह से, ऐसा रहे तो सोचा सबसे पहले पत्नी को मॉडिफाई करा दो, उसके अंदर से सबसे पहले जीन लगा के जो बोलने वाला जीन है ना, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहो, वही वाला जीन को क्या करो निकाल, पूरा दुनिया में शांति चैन हो जाता, हो जाता कि नहीं हो जाता, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लड़की लोग को समझ में आ रहा है, कौन चीज समझ में आ, लड़की सबको कुछ बोल दो ना पूरा पीकी आ जाती है, हमरे बोलते रहते हैं बेचारी एकदम अंदर अंदर घुसिया के रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े, घोड़ा गधा का क्रॉस करा दीजिए, खच्चर हो जाएगा, कुछ क्रॉस नेचुरल भी होते हैं, कुछ नेचुरल क्रॉस घोड़ा और गधा इनके बीच का क्रॉस नेचुरल क्या हो जाता है खच्चर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल स्पर्म में आप मॉडिफाई करेंगे ओभम में नहीं करेंगे तो मैच हो जाएगा, स्पर्म के साथ साथ किसमें करना पड़ेगा ओभम के साथ भी, तभी जाके क्या होगा सही से मॉडिफाई, और ये कई स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मॉडिफाई हो सकता है, इसके कई स्ट्रेन आएंगे सब, समझ में आ गया कि नहीं। कोरोना कैसे मॉडिफाई हो रहा था, थोड़ा 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 उसमें क्या आ रही थी चेंजिंग हो रही थी, हमेशा कोरोना कभी क्या हो रहा है शक्ल बदल रहा, वैक्सीन कितना लोग लगा नहीं लगाया है, लगा लो भाई जल्दी जल्दी, कोई ठीक नहीं है कि थर्ड वेव इंट्री मार देगा, इसलिए जल्दी लगा लियो जल्दी लगा लिए लोग, जितना लोग वैक्सीन नहीं लगाया है, अब घोचू सब वैक्सीनवा क्या नहीं लगाया है सब, कई को देहात में कह रहा है सब कि लड़के नहीं होगा, अरे भाई जिसको संदेह है लड़का नहीं होगा वो एक बार प्रैक्टिकल करा के देख ले जो वैक्सीन लगाया है, और क्या कर सकते हैं, साइंस यही ना कहता है किसी भी चीज का प्रैक्टिकल। तो जो कहता है कि नहीं होगा तो वो इतने विद्यार्थी हैं जो वैक्सीन लगवाए हैं, देखो हाथ उठा रहा है सर, अरे देख रहे हाथ उठा रहा है सर कि हम प्रैक्टिकल में जाएंगे रे बकलोलवा। तो जो भी कहे आपसे कि वैक्सीन लगाने से लड़का वड़का नहीं होता, उसको कहिए कि देखो चाचा हम वैक्सीन लगा लो, आपके लिए हम इस अग्नि परीक्षा के लिए भी तैयार,
ऐसा घोचू सबसे दूर रहिए, वैक्सीन से कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। अरे हमें को तो को बोल दिए थे, बूढ़े से थे वो कह रहे थे हम अपने परिवार में किसी को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हम बोल दिए कि हम लगवाए हैं, और आप जिससे डर रहे हैं वैसा कोई समस्या नहीं आया।